हिंदू राष्ट्र बनाओगे ना? ए धीरेंद्र सुन, बिहार नहीं आने देंगे, नहीं आने देंगे बहुत सारे लोग कह रहे थे। उनकी अभी क्लास तो लगेगी इस वीडियो के लास्ट में, लेकिन बाबा के आगमन पे जो जो हुआ है वो हम आपको बताते हैं। धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री बागेश्वर धाम वाले आते हैं बिहार, और जानते हैं उनका गाड़ी कौन चलाने लग रहा होता है? बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी। और रामकृपाल यादव, गिरिराज सिंह जो हैं, ये उनके स्वागत में लगे रहते हैं। और इतना ही नहीं, गाड़ियों के आगे पीछे जितना भी काफिला होता है उसमें बड़े बड़े दिग्गज दिग्गज नेता लोग मौजूद रहते हैं। और जितने लोग कह रहे थे कि नहीं आने देंगे, उनको कैद कर लिया जाएगा, एयरपोर्ट पे घेराव करने का काम करेंगे, DDS बनाने का काम करेंगे और पता नहीं क्या क्या बनाने का काम करेंगे, उन लोगों को बता दें कि बाबा बिहार आने का काम कर दिए, अपना सभा लगाने का भी काम कर दिए और लाखों करोड़ों लोगों का आशीर्वाद देने का भी काम करेंगे। क्या बात है! अब हम कुछ लोगों का नाम लेना चाहते हैं। बहुत सारे लोग नाम नहीं ले रहे हैं, हम लेना चाहते हैं, हमको कोई आपत्ति, द्वेष प्रवेश नहीं है। और पहले नंबर पे आते हैं संतोष रेणु यादव। है अगर आपके अंदर बूता तो रोकने की बात तो छोड़ लो, बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के 100 मीटर के रेडियस में जाके दिखा दो, हम मान लेंगे कि वाह आप बहुत बड़के तुर्रम खान हैं। इतना ही नहीं, ये जो हैं अधनग्न अवस्था में नाली में पड़े हुए जो इंसान रिपोर्टिंग के तौर के लिए खूब जाने जाते हैं, अगर है आपके पिछवाड़े में बूता तो जाइए और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बारे में एक न्यूज बना के दिखा दीजिए। बहुत कह रहे थे ना कि ये है वो है, नहीं आने देंगे। देखिए, घर में बैठ के बोलना बड़ा आसान है। क्या बात है! देखिए, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बागेश्वर धाम वाले बाबा को बिहार आने से पूरा बिहार का जनता खुश है। अगर आप भी खुश हैं तो नीचे जय बजरंगबली लिख दीजिए, ताकि उन लोगों के मुंह पे जूता लगे जो चाह रहे थे कि बागेश्वर धाम को बिहार आने से रोक लिया जाएगा। जय बजरंगबली।